हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को एक बैठक की। दरअसल हरियाणा सचिवालय में जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की 55वीं बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि आम जनता को एक छत के नीचे पानी और फूड टेस्टिंग की सुविधा मुहैया होनी चाहिए, ताकि अपने घरों में अपने घर में रहने के लिए पानी और खाद्य पदार्थों की जाँच करवा सके। सीएम ने बैठक में और कई जरूरी बातें कही, आइए देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को हरियाणा सचिवालय में जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की 50वीं बैठक की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आम जनता को एक छत के नीचे पानी और फूड टेस्टिंग की सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने घरों में आने वाले पानी और खाद्य पदार्थों की जांच करवा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य एक गंभीर विषय है, इसलिए इस संबंध में कोई योजना बनाए। आज जगह जगह टेस्टिंग स्पॉट बनाने की आवश्यकता है, ताकि लोग इसका फायदा उठा सके और समय समय पर पानी और खाद्य सामग्री की जांच भी करवा सके। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सीएम की अध्यक्षता में हुई जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की 55वीं बैठक। बैठक में सीएम ने पानी फूड टेस्टिंग को लेकर योजना बनाने के दिए निर्देश। आम जनता को एक छत के नीचे मिले पानी और फूड टेस्टिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को दिए निर्देश। गलियों की मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द किया जाए पूरा। आम लोगों को इस विषय पर ना हो किसी तरह की परेशानी। कार्य के दौरान पूरा होने के लिए तस्वीर। पानी की लाइनें बिछाने के बाद गलियों की व्यवस्था ठीक करें। अधिकारी और कर्मचारी सुनिश्चित करें कि व्यवस्था ठीक कर दी गई है। पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल किया जाए। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग नेचुरल ड्रेन आउट का सिस्टम तैयार करे, ताकि खेतों में जल भराव की समस्या दूर हो सके। विभाग ऐसी जगहों का नक्शा तैयार करे जहां जल भराव की समस्या है। जिन जगहों पर नहर नहीं है, वहां नेचुरल ड्रेन आउट का सिस्टम तैयार करे। मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि जहां जहां जल आपूर्ति के लिए लाइनें बिछाई जा रही हैं, वहां वहां गलियों की मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आम लोगों को इस विषय पर किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। विभाग जिस भी एजेंसी से ये कार्य करवाए, उससे कार्य के दौरान और कार्य पूरा होने की तस्वीरें ले, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वहाँ पानी की लाइनें बिछाने के बाद गलियों की व्यवस्था ठीक कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी एक भी बूंद बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी का फिर से इस्तेमाल किया जाए। जहाँ जहाँ एसटीपी लगे हुए हैं, उससे निकलने वाले पानी का इस्तेमाल किया जाए, इसे भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये कार्य सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को सौंपी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन खेतों में जल भराव की समस्या है, वहाँ पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग नेचुरल ड्रेन आउट का सिस्टम तैयार करे। विभाग ऐसी जगहों का नक्शा तैयार करे जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या है। जिन जगहों पर आसपास कोई नहर नहीं है, वहीं नेचुरल ड्रेन आउट का सिस्टम भी तैयार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवर मैन या सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों को ही एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे सफाई से जुड़ी मशीनों में निवेश कर खुद सफाई कार्य करें। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग सफाई कर्मचारियों को इस कार्य में आगे बढ़ाने के लिए योजना तैयार करे, उन्हें लोन लेने और प्रशिक्षण दिलवाने में मदद कर। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, एसीएसपी के दास, देवेंद्र सिंह, टीवीएसएन प्रसाद, महावीर सिंह, डॉक्टर सुमिता मिश्रा, अनुपमा, अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव 2 आशिमा बरार, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन केशनी आनंद अरोड़ा, सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट।